मिलियन सेलिब्रेशन। तेरे साथ मुबारक की क्या जरूरत है बच्चे, धोखा इसने मुझे दिया। कुड़िया मेरे तो बगैर नहीं कुछ पका सकती। छोटे होते ना मुझे ऐसे कहती थी, बैठती थी नहीं चुप करके ठॉक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो फौरन से पता चल जाए। तो भाई आज की वीडियो में खास बात यह है कि वी गोना सेलिब्रेट 2 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। यस, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेके। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस न्यूज़ को प्रोसेस करते करते कि भाई मेरे इंस्टाग्राम पे 2 million फॉलोअर्स हो गए। और मैं इस सारी जर्नी में आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग ही हैं वो जिन्होंने मेरे कॉन्टेंट को पसंद किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग बनाने वाले स्पेशल किस्म की इफ्तारी, रमजान चल रहा है तो रमजान में हम लोग इफ्तारी के साथ ही सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तो आज हम लोग करेंगे 2 million की सेलिब्रेशन। सो होते हैं रेडी और बाकी की चीजें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। रेडी होना है भाई, थोड़ा स्पेशल इवेंट है तो भाई मेरे फेस का ग्लो भी जरूरी है। और ये सीक्रेट मैं आपके साथ भी बहुत वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, सो आई थॉट कि अगेन मैं आपको बता दूँ। सो लेट्स गो। तो भाई मेरा सिर्फ मेकअप होने वाला रहता है और मेकअप करने से पहले मुझे चाहिए होता है स्किन ग्लो, और स्किन ग्लो के लिए मैंने यहाँ पे मंगवा के रखा हुआ है अपना स्टॉक, एज यू गाइस कैन सी, होम्यो की और ग्लूकाटॉन का, जो कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। तो आइए इसको मिलके बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जमा कर ली हैं। और आपको एक और बात बता दूँ कि मार्केट में जितनी जो चीज़ अच्छी होती है ना उसकी उतनी कॉपीज आ जाती हैं। तो इस क्रीम को ख़रीदने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपको देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं, और आपने इसका नाम होम्यो क्योर लेके तलब फरमानी है। बिल्कुल, तो मैं आपको बताती हूँ कि ओरिजिनल और फेक का पता कैसे चलता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी कॉपीज़ बनी हुई हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप लगाते हो और जब रिजल्ट नहीं आता तो आप कहते हो हैं इसका तो रिजल्ट ही नहीं। सो भाई कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है या फेक? तो सबसे पहले तो आपने नाम पढ़ना है इसका, ये होम्यो क्योर होगा। एंड सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने सील लगाई हुई, आप देखो मैंने फ्लैश ऑन की हुई और यहाँ पर ये शाइन कर रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसको पता लगाने के लिए कि ये ओरिजिनल है या फेक। शाइन कर रही है, देखिए आप, इट्स मीन इट्स ओरिजिनल। तो भाई अब हम इसको खोलते हैं। तो भाई मैंने जो अपनी क्रीम है वो खोल ली है इस तरह से, और साथ में मैंने ले लिया ग्लूकाटॉन। और इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि यार ये पाकिस्तानी है तो हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो भैया अभी हम मिलके बनाते हैं इस क्रीम को, इस कॉम्बो को। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ अपना फेस ग्लो लाने के लिए। क्रीम बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, और अभी लाइव फेस की एक साइड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, एक पे नहीं, और आपको पता चलेगा कि कौन सी ग्लो करती है इंस्टेंट। तो भाई हम लोग एक क्रीम का कंटेनर खाली करेंगे, फुल क्रीम का, और जितनी क्रीम है उसका हम लोग हाफ डालेंगे इसमें ग्लूकाटॉन, लाइक दिस विल बी इनफ। और अब हम लोग करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो भाई इसका मिक्सचर कुछ इस तरह से बना, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो भाई अब मैं आपको फेस के एक साइड पे ये अप्लाई करके दिखाती हूँ, एक साइड पे नहीं, और आपको पता लगेगा कि कितना इंस्टेंट ग्लो देती है। तो इसी अमाउंट लगाएंगे पहले। ओके गाइस, तो मैंने अपने हाफ फेस पे एक क्रीम अप्लाई किया एंड यू गाइस कैन सी इंस्टेंट डिफरेंस। एक साइड पे ग्लो है, एक साइड पे उस तरह से नहीं है, लेकिन ये क्रीम आपको इंस्टेंट ग्लो देती है। अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपका फेस डल है, तो ये इंस्टेंट उसको ग्लो देती है। और मेंशनिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, आप जाके वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी बहुत सारी डील्स एंड डिस्काउंट्स आते रहते हैं, रमज़ान में भी डील्स चल रही हैं, तो आई मस्ट से आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और जिनके पास हैं उनसे कहूँगी कि भाई स्टॉक मंगवा के रख लें। तो या अब हम लोग होते हैं रेडी फॉर 2 million सेलिब्रेशन। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ विद इन 5 minutes वाला रेडी, और अभी हम लोग नीचे चलते हैं और बनाते हैं स्पेशल किस्म वाली इफ्तार, और देखते हैं कि सब लोग नीचे क्या कर रहे हैं। सो लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ पे नज़ारा ही कुछ और है। मुझे लगा था यहाँ पे आके मुझे आते साथ ना यहाँ पे सब छुपे होंगे और आके कहेंगे हैप्पी 2 million, लेकिन नहीं, कोई यहाँ पे सो रहा है और जो मेरी मम्मी है वो यहाँ बैठी हुई है। हम सेलिब्रेशन तेरी ज्यादा अच्छी करेंगे 10 million पे। गाइज प्लीज 10 million भी कर दे, मुझे ये वाली सेलिब्रेशन चाहिए थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है चलेगा। क्या हुआ? 2 million हो गया आपके। इसका नेट स्लो चलता है, इसका साबुन काफी स्लो है, इसका साबुन इतना स्लो है कि इसको पता ही नहीं है अभी वो घूम रही है कि हो गए। हाँ हो गए, थैंक यू।
और सबका थैंक यू कहो, सबने मिलके मेरे थैंक यू सो मच। अब मैंने भी जल्दी से 1 मिलियन कर दो। 1 क्यों, 10 मिलियन, मामा ने 10 का टारगेट दिया, सबके 10 मिलियन कर दे गाइस। तो सिर्फ ज़ैनब का 1 चाहिए, बर्थडे तक ज़ैनब के 1 मिलियन होने चाहिए। डन डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तुम्हें पता है मैं स्पेशल इफ्तार बना रही हूँ तुम लोगों के लिए आज। घर में हूँ, ये जा रही है, ये और फातिमा दोनों जा रहे हैं इफ्तार पार्टी करने। राबिया भी भाई रहे, हम राबिया थोड़ी देर में आ जाएगी, तार से पहले आ जाएगी, उसने मुझे बोला था। सो या अब हम लोग 3 लोग मिलकर इफ्तारी करेंगे। वीआईपी लोग बाहर से खाना खाते, इतने VIP के मैं क्या ही बताऊं। ठीक है तो भाई अभी मैंने आपको अपना केक नहीं दिखाया, मेरा इतना प्यारा 2 मिलियन का केक आया हुआ है ना, वो दिखाती हूँ आपको। और आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं वो दिखाती हूँ, और साथ में थोड़ी थोड़ी सेलिब्रेशन, क्योंकि मम्मा आपने मुबारकबाद नहीं दी मुझे, जल्दी से मुबारकबाद। मैं पूरी की पूरी तेरे साथ हूँ, मुबारक की क्या जरूरत है बच्चे, मैं पूरी, मेरी पूरी दुआएं तुम्हारे साथ। थैंक यू। और मुझे एक कोई अच्छी सी विश करें, मुझे कोई अच्छी सी दुआ दें। मैं दुआएं मांगती हूँ भाई कि मुझे कोई भी हो ना इंसान के, इतनी सी भी दुआ दे मैं उसकी राह हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, बड़ों की इज्जत करती रहे, सबकी रिस्पेक्ट करती रहे, सबका सबकी दुआएं लेती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और मैं अपने व्यूअर्स का भी थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। थैंक यू, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हीरा को इस काबिल समझा कि ये 2 मिलियन लेके बैठे, अब 10 मिलियन भी होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरी अम्मा ने ना पहले ही चीजें ना सारी काट कूट के रख दी हैं और ये खाली करके रख दी है कि बेटा लग जा काम पे। तो भाई लगते हैं काम पे और दिखाते हैं कि हम इस चिकन और कैसे हम कुछ पुलाव शुलाव बनाते हैं, सो दिखाते हैं आपको। भाई आज मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग बना रहे हैं वेजिटेबल चिकन पुलाव। और अभी मुझे मेरी बहनों की बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कोई खिचड़ी बना रही हैं, तो अभी जाकर देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तुमने मुझे विश नहीं किया 2 मिलियन सब्सक्राइबर, कह रही हूँ फॉलोअर्स पे, और मैंने आज स्पेशल इफ्तारी बनानी थी लेकिन ये दोनों मैडम उड़ रही हैं। हम लोगों को सडन इफ्तारी आ गई, हम लोगों ने इतनी देर पहले का प्लान बनाया हुआ था। चलो कोई बात नहीं, माफ किया जाए, विश कर लेंगे। अच्छा सा हैप्पी 2 मिलियन। चलो मैं आऊंगी ना अभी इफ्तारी से, तो फिर आके सेलिब्रेट करेंगे। डन है, तब तक वेट कर, ठीक है केक कट कर लेंगे जब तुम लोग वापस आओगे ना, फिर केक कट कर लेंगे। डन। और वो मैडम देखना पीछे कैसे रेडी हो रही है, धोखा इसने मुझे दिया है, तुमने नहीं, तुम्हें तो पता, तुम्हारा तो प्लान पहले से ही था ना, ये जा रही है तुम्हारे साथ, धोखा दी। चलो कोई नहीं, माफ किया, इट्स फाइन। तो भाई जब ये लोग आएंगे फिर हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, मतलब केक कट करेंगे, तब तक हम लोग इफ्तारी का सामान रेडी करते हैं। तो भाई जैसे ही फातिमा और ज़ैनब गई हैं, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है राबिया ने, और हर जगह कैमरा कैमरा कैमरा, बंद करें इसे, इसको ब्राइट करेंगे। और तुमने मुझे विश नहीं किया, तुमने मुझे बिल्कुल भी कॉन्ग्रेट्स नहीं किया। मैंने देखे थे और मैंने देखते साथ ही इतनी खुशी मनाई थी दिल में, वो मेरे फट फट। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ भाई, हीरा आपी के इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए गाइस, ये बिग हैंड। Many more to come. Inshallah 20 million, 200 million to come. ठीक है, and also inshallah 2 million to come. 10 million to come. Inshallah. Inshallah. Yeah. यार हर कोई एक ही चीज की जा रहा है। देखो मैं आप ही की होगी, मैं वेट कर रही हूँ आपकी भी हो जाए। 2 मिलियन हुए इंशाल्लाह, कोई 20 होंगे तभी हीरा भी शादी करेगी, सारे 20 मिलियन कर दो उसके। तुम्हें वेट करना चाहिए कि तुम्हारे कब 2 मिलियन होंगे, तुम कुछ और वेट कर रहे हो मेरी शादी कब होगी, बड़ी बात है। मेरी बहन के होगे, मेरे होगे, एक ही बात है, लेकिन इसके भी कर दे, एक ही बात जल्दी से कर दे। मेरे फॉलोअर्स रुके हुए हैं, बड़े हैं लेकिन रुके हुए, वो शो नहीं हो रहे, रुके हुए इंतजार करें, फिर आप रोजा खोल ले। मैंने वेबसाइट पे देखा तो मुझे 1.9 शो हो रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम मुझे 1.8 शो हो रहे हैं। वो क्योंकि तुम्हारे 50 ऊपर हो गए होंगे ना, तो लाइक 50 से ऊपर 51 भी चला जाए ना, हाँ, तो वो राउंड फिगर करके उस तरह से शो करते हैं। अब मतलब पूरे नहीं हुए मेरे 1.9। मैं खुशियां मना रही थी भाई, अब तुम आओ मेरे साथ इफ्तारी बनाओ, थोड़ा टाइम रह गया। यार मैं थककर आई हूँ, बहुत थककर, मैं यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ाई करके आई हूँ और मेरी क्लास कुछ और मैं हेल्प कर देती हूँ, आओ हेल्प करो। नहीं रहने दो राबे, ऐसा बहुत काम है यहाँ पे। अच्छा बहुत चलो तुम आराम से फ्रेश हो, जो रेस्ट करो, आज मैं मेरी तरफ से इफ्तार है, तो मैं प्रॉपर टेबल लगा के तुम्हें बुला लूंगी, सिर्फ तुम खाना ठूंसने आ जाना, ठीक है? बाय 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 मम्मा। चावल नहीं, चावल अभी तक भिगोए नहीं, कौन से शेफ है तू? ये तो आपने करना था ना, ये तो डिपार्टमेंट आपका है। मैं इसलिए बैठी थी, मैंने कहा कुछ तो करेगी ना खुद ही, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताना। हर दफा हमारे साथ ये होता है कि जब भी इफ्तारी का टाइम होता है कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। अभी आपके इफ्तार के बाद चावल बनेंगे, अगर आपके लेट चावल डिपो हुए तो जल्दी जल्दी करें फटाफट।
पता नहीं क्या कर रही है ये। अच्छा ये हमने वेजिटेबल पुलाव बनाना है, मिर्ची डाली है, रेड मिर्ची डाली है, दूसरी मिर्ची नहीं डाली। आप देंगी तो डालूंगी ना। मुझे फिर लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे हाथ हलाना ही पड़ना है जी। कुड़िया मेरे तो बगैर नहीं कुछ पका सकते। नहीं नहीं पका सकते हैं मम्मा ना, आप क्यों ऐसे कह रही, मैं तो पकाती हूँ। तो भाई ये हाल है कि हमारे यहाँ पे पुलाव हमारा इतना पहुँचा है, चावल डिप कर दिए हैं, अब उम्मीद है कि इफ्तार तक ये रेडी हो जाए। ठीक है, हमें मम्मा मटर लेके आ दें, सारे डाल दें मम्मा, चिकन भी हमने ऑलमोस्ट सारे ही डाल दिया है, ये भी डाल दें। अभी पुलाव बनाने का जो मटेरियल है ना, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके गाइस, तो जो हमारा पुलाव है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अब फटाफट से टेबल लगाते हैं, इफ्तारी करते हैं, और अपनी बहनों का वेट करते हैं जस्ट टू कट द केक, और मैं थोड़ी देर में आपको केक भी दिखाती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई इफ्तार करने के बाद ना मुझे एकदम से नींद का ऐसा झोंका आया कि मुझे नहीं पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, क्या करना था क्या नहीं। तो भाई अब हम लोग चलते हैं नीचे, आपको दिखाती हूँ केक, और मेरी बहनें भी इस टाइम आ चुकी होंगी सभी, सो उनके साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं और आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ और मेरी बहनें जो हैं वो इफ्तार करके आ चुकी हैं। कैसा रहा तुम लोगों का आज का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा ना। मुझे नहीं लेके गई, याद रखूंगी, लेकिन नहीं मैं खुद ही नहीं गई। तो कहती हूँ तुम याद रखो। मैं याद रखूंगी। ठीक है, अभी राबिया ज़ैनब किधर है? सब आ जाओ गाइस, हम केक कट करने लगे। राबिया यहाँ पे मेकअप कर रही है। ठीक है, तैयार हो रही। अच्छा इतना तैयार मुझे होना चाहिए, लेकिन राबिया तैयार हो रही है, सो सही है भाई, जल्दी से रेडी होके आ जाओ। मैं सो गई थी ना, इसलिए मैंने कहा तो मेकअप कर लेती हूं। मैं भी इफ्तारी के बाद सो गई थी, तो भाई गाइस हम सो जाते, नींद आ जाती है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर आपको केक दिखाते हैं ये। और यहाँ पे मुझे दिख रही है ज़ैनब मैडम। हाय, कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? आज का मेरा दिन वाज बहुत ज्यादा अच्छा, मेरे फादर से काफी वाज बहुत ज्यादा अच्छा। चलो आओ मेरे साथ, आज हम केक निकाले। आज 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 रापी ने केक निकाल लिया। वाओ, अभी ये बैक साइड है, मैं आपको इसमें रियल, इतना ही प्यारा केक है ना। ओह माय गॉडनेस, गले मेरा वो इंस्टाग्राम का वो भी यूजर आईडी भी है गाइस, जल्दी से 10 मिलियन कर दे। 2 मिलियन। अभी हम इसको कट करेंगे। यार मेरे पास तो कैंडल्स ही नहीं है, क्या करें? इट्स ओके, वी डोंट केयर। नहीं इतना प्यारा, ऊपर से भी दिखाओ। It's too pretty. ये क्या चीज़ है? अच्छा। मत छेड़ो। हाइलाइटर लगा लो। नहीं रहने दो तुम। चलो हम इसको वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं, फिर हम वहाँ पे कट करते हैं। भाई सेलिब्रेशन मेरी है, तीनों मिरर के आगे खड़ी हो गई हैं और पता नहीं क्या कर रही हैं। मैं भी ऑलरेडी रेडी हूँ। यार हम लोग ऑलरेडी रेडी है, बस मिरर के आगे खड़े होकर बस ऐसी अपनी शक्लें देखते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं, है ना? ऑलरेडी रेडी है, जल्दी आ जाओ मामा। आज केक कट करेंगे गाइस। तो गाइस मैंने अपना केक बिल्कुल सेट कर लिया, अब वेट हो रहा है इन लोगों का ताकि ये लोग आए और हम केक कट करें। वो यहाँ पे केक आ गया है, वन बाय वन मेरी बहनें भी आ गई। ये तो शीशे के आगे से नहीं हट रही है, पता नहीं क्यों। क्या कह रही हो? आपका ऊपर वो भी लगा हुआ है, नीला टिक, ब्लू टिक भी लगा हुआ है, सारे फॉलोअर्स लिखे हुए हैं, और ये मेरे पास कैंडल्स भी, इसमें से स्पार्किंग कैंडल्स है। थोड़ा सा लगा दो, नहीं फटता, अच्छा लगेगा। तो तुमने फूल खाने हैं? असली लगा, तुम्हें क्या लगा था असली लगा? तो मत खाना ना, देख भाल के। क्रीम के फूल है। हाँ एग्जैक्ट। अच्छा जिन्होंने काटना है वो कैमरा पकड़ के खड़ी है और बाकी सारे वो ही ना, मुझे कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दे रहा है। मम्मा के बुलाने के तरीके में भी प्यार है। इधर दफा हो जाए। ये माँ के गुस्से में भी प्यार होता है ना, वही चीज है। छोटे होते ना मुझे ऐसे कहती थी, बैठती थी नहीं चुप करके, और वो उनका प्यार होता है। अपनी लड़ाइयाँ खत्म करोगे गाइस? तो भाई सेलिब्रेशन करते हुए हमें याद आया कि भाई अगर हम लोग सब वहाँ पे खड़े होंगे तो हमारी पिक्चर्स लेने वाला कोई नहीं है, तो भाई मैं ले आई हूँ ट्राइपॉड जिंदाबाद, ये सेट करते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने जो कैमरा है वो सेट कर लिया है और अब हम लोग अपनी कैंडल्स लगाएंगे इसके ऊपर लाइक दिस, एक एक करके लगाएंगे, तो थोड़ी सी पिक्चर्स भी लेंगे और थोड़ी सी कट करते हुए जब हम कट करेंगे तब ये लगाएंगे। ठीक है, राबिया आ जाओ जल्दी। बारियों का वेट कर, मैं सबको खिलाती हूँ। क्या खिलाऊं? सदा हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, खेलती रहो। ओके गाइस, तो आप लोग हमें इसी तरह से प्यार करते रहिएगा, और फातिमा की ये पंखुड़ी को इग्नोर। अब केक का पोस्टमार्टम होने वाला है, हम इसको खाते हैं गाइस। ये बस ये समझ रहा है, मुंह पर खाते हैं। नहीं, हीरा फैसल 2 मिलियन पब्लिक फिगर। हीरा पब्लिक फिगर है? ओ मुझे लगा प्राइवेट फिगर है। मुझे लगा प्राइवेट अकाउंट है। फिगर है ये, बहने आपको रोस्ट और ट्रोल करने से बात हीरा फिगर है। बटरफ्लाई 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 चलो 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 बाय बाय।
ओके गाइस, तो केक कट करने के बाद जो गंध है वो भी एज यूजुअल उठाना पड़ेगा। नो मैटर आपके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अम्मा की ड्यूटी आपको हर टाइम इंतजार करती है। अगर आप गंध मचाते हैं तो भाई हम इसको साफ करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फातिमा मैडम ने अपना शूट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मामा अपना डेंटिंग पेंटिंग करने में मसरूफ हैं घर की। पता क्या करना था? क्या हुआ? सारी बजरी इसमें डालो ताकि इसका वजन और ये टिका रहे। उसमें अच्छा? फेंक दी बजरी। अच्छा, ये वाले सारे पेबल्स उसमें डाल दिए। इसमें डाल, ये बहुत लाइट है नीचे से, इसलिए वजनी होगा तो ये टिकेगा ना। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं जल्दी कर। ठीक है, अब हम मामा ने फिर से काम पे लगा दिया। काम पे लग जाओगा इस काम पे। तो भाई मेरी अम्मा ने साइंस लड़ा जी। नहीं टिक रहा मम्मी, अभी कह रही थी अकल बड़ी के बहन रहेगा कोई भी नहीं। लेकिन मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं। अब बताओ ना, गिर के दिखाया। अगर तू गिरा ना तो भाई मम्मा ने जूती ताले ने तेरी पिटाई कर देंगे, ठीक है। देखो वजन हो गया। हाँ सही है। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।